कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को जम्मू कश्मीर स्थित मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे। राहुल गांधी एक आम श्रद्धालु की तरह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता के जयकारे भी लगाए। उनके काफिले में माता वैष्णो देवी के जयकारों की गूंज भी देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां माता की पूजा करने आया हूं, यहां पर किसी तरह की कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। माता के दर्शन करने आया हूं, तो देखते हैं। किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी अगर 13 किलोमीटर पैदल चलकर वैष्णो देवी माता के द्वार पर जाना चाहते हैं तो भाजपा को क्या ऐतराज है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी भी राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में जाएं, वे बुजुर्ग हैं, उनका भी हाथ पकड़कर ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कंधे पर बैठा कर ले जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी करीब 12:30 बजे जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां से राहुल गांधी की मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई थी। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान राज्य कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के लिए कई रिसीविंग समितियां बनाई गई थी। इस दौरान जगह जगह राहुल गांधी का स्वागत भी किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं से रास्ते में मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। वहीं इस बीच कई श्रद्धालु राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी आज रात यहीं रुकेंगे और बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह राहुल गांधी यहां से जम्मू के लिए वापस रवाना होंगे। अपने शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी शुक्रवार को राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों और अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के हालातों पर चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।